नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुश जीवन राशि फल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 11 अक्टूबर 2021 के पंचांग के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी हमारा खुश जीवन राशि फल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट भगवान की का नाम जरूर लिखें। आइए पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं आज के दिन क्या विशेष रहने वाला है। आज नवरात्रि की अगर हम बात करें तो आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि है। आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। देवी गायत्री के मंत्रों का जाप आज के दिन अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद माना गया है। आइए शुरू करते हैं पंचांग। वार सोमवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, माह अश्विन माह, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि षष्ठी तिथि, नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि 12:56 तक रहेगा, उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू हो जाएगा। योग सौभाग्य योग सुबह 11:49 तक रहेगा, उसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। बात करें करण की तो कौलव करण दोपहर 1 बजे तक रहने वाला है, उसके बाद तैतृक करण प्रारंभ हो जाएगा। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 6:23, सूर्यास्त शाम 5:50, सूर्यदेव कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं। बात करें हम चंद्रोदय की तो सुबह 11:31 पर चंद्रोदय होंगे। चंद्रास्त की बात करें तो रात 9:58 पर चंद्रास्त होने वाले हैं। चंद्र राशि जो है 12:56 तक चंद्रदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे, उसके बाद वे धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी आज के दिन चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बात करें शुभ समय की, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से और 5:40 तक, यानी आप सुबह सुबह के टाइम पे अपने ईष्ट देव की आराधना, मंत्र जप, मंत्र सिद्धि और स्वयं सिद्धि कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त श्रेष्ठ माना गया है। बात करें अभिजित मुहूर्त की कि कोई भी शुभ कार्य आपको शुरू करना है, आपकी शुभ राशि भी है तो आप उसे अभिजित मुहूर्त में शुरू कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। आइए बात करते हैं दिन के चौबड़ियों की। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं सूर्योदय से। सुबह सुबह अमृत का चौकड़िया सुबह 6:23 से 7:49 तक, अमृत का चौकड़िया अच्छा चौकड़िया है, शुभ है। अमृत के बाद काल 7:49 से सुबह 9:15 तक, काल का चौकड़िया अशुभ समय है। काल के बाद शुभ 9:15 से और 10:41 तक रहने वाला है। शुभ का चौकड़िया अच्छा समय है, शुभ समय है। शुभ के बाद हम बात करें रोग, 10:41 से दोपहर 12:07 रोग का चौकड़िया अशुभ समय है। रोग के बाद उद्वेग 12:07 से और दोपहर 1:33 तक रहेगा। उद्वेग का चौकड़िया भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना गया। उद्वेग के बाद चर जो कि सामान्य समय है 1:33 से और 2:59 तक रहेगा। चर का चौकड़िया सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 2:59 से और 4:25 तक रहेगा। लाभ का चौकड़िया अत्यंत शुभ है। लाभ के बाद अमृत 4:25 से शाम 5:51 तक रहने वाला है। कोई भी शुभ कार्य अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी शुभ राशि यानी चंद्रबल देखना होगा, साथ के साथ आपको शुभ चौगड़िया भी देखना होगा। आइए बात करते हैं दिशाशूल की, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पूर्व दिशा। फिर भी अगर जातक यात्रा कर रहा है तो यात्रा से पहले उसे दूध का सेवन अवश्य करना चाहिए। आइए बात करते हैं अशुभ समय राहुकाल और गुलिक काल की। राहुकाल और गुलिक काल को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत अशुभ समय माना गया है। कोई भी शुभ कार्य हम राहुकाल और गुलिक काल दोनों में शुरू नहीं करते हैं। राहुकाल के अंदर हमें शुभ यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। राहुकाल की बात करें तो सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल रहने वाला है, और गुलिक काल की बात करें तो दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। इसलिए आज के दिन यह समय आप नोट करें और इस समय में अपना कोई भी शुभ कार्य शुरू न करें। आइए बात करते हैं चंद्रबल, यानी कौन कौन सी राशियां शुभ राशियां हैं। तो आज की शुभ राशि हैं वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनके नाम अक्षर, जन्म राशि और जन्म पाए की। आज चंद्रमा 12:56 पर दोपहर में अपना वृश्चिक राशि से धनु राशि में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो भी जातक 12:56 तक दोपहर में जन्म लेंगे उनकी वृश्चिक राशि, उसके बाद जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी धनु राशि होने वाली है। नामाक्षर की बात करें तो नामाक्षर रहेंगे यी, यू, ये और यू। जन्म पाए की अगर हम बात करें तो इनका सभी का ताम्र का पाया रहने वाला है। धन्यवाद।